लोकसभा चुनाव कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ है और झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आदिवासी वोटरों को साधने में राजनीतिक दल दमखम लगा रहे हैं। इंडिया गुट को इस लोकसभा चुनाव में 5 आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जीत मिली तो वहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि आदिवासी समाज के बीच भाजपा का प्रभाव कम हो रहा है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि आदिवासी समाज भाजपा से नाराज नहीं है, बल्कि इंडिया गुट के फैलाए गए भ्रम में कहीं ना कहीं आदिवासी समाज फंसे थे। इसी का नतीजा है कि 5 आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा को हार मिली। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। झारखंड की स्थापना यही सोच के साथ की गई थी कि यहाँ के आदिवासियों एवं मूल निवासियों का हित के लिए कार्य हो। वर्तमान समय में यहाँ पे चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अहम योगदान रहा था झारखंड को अलग राज्य कराने में, लेकिन वर्तमान समय में आदिवासी समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास तौर पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक जी। भैया बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी एक समय आदिवासियों के बीच एक बड़ी पार्टी मानी जाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से यह झारखंड राज्य भी बना, लेकिन वर्तमान समय में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आदिवासी बहुल जो सीटें हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे बीजेपी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्या कारण है? लोकसभा में भी 5 आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा आप लोगों को। देखिए, ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज बीजेपी से गुस्सा है या उनके अंदर कोई रोष है। आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदिवासी समाज के प्रति अगर बीजेपी या बीजेपी के नेताओं के अंदर सहानुभूति नहीं होती तो आदिवासी बहुल प्रदेश झारखंड को बिहार से अलग नहीं करती। इतने सालों से कई ऐसे हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को अलग कराने में अपने जीवन को खपा दिए, कई बलिदान दे दिए, लेकिन किसी दल को नहीं सूझे कि किसी आदिवासी के लिए प्रदेश का भी निर्माण किया जा सकता है। आज सरदी अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया पर नहीं है, उनको मैं उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करूँगा कि बीजेपी के सरकार बनते के साथ में उन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो अलग राज्य की थी उसको उन्होंने अलग करने का काम किया। और तो और राज्य अलग तो मिल गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को लगा कि नहीं, ये आदिवासी बहुल प्रदेश है, यहां राजनीतिक नेतृत्व भी किसी आदिवासी समाज को दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने माननीय बाबूलाल मरांडी जी को इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार क्रमशः कि आप जैसे देखेंगे कि जनजातीय आयोग का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ, जनजातीय मंत्रालय का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के शासन में आप देखेंगे कि 68 आदिवासी समाज के बेटा उनके कैबिनेट में शामिल थे, कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल थे। आप देखेंगे झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड से सांसद श्रीमान अर्जुन मुंडा जी जनजातीय कार्य मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और तो और यहाँ के आदिवासी महापुरुष धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली पे प्रधानमंत्री आकर उनको नमन करते हैं, और 15 नवंबर उनके जन्म जयंती के दिन में जनजाति गौरव दिवस का गौरव गान करते हैं ताकि आदिवासी महापुरुष ने भी इस देश को स्वाधीनता कराने में, आज़ादी कराने में अपना बलिदान दिए थे, तो उनके भी गौरवगान होनी चाहिए। 75 सालों में किसी दल को चिंता नहीं हुई किस देश को आज़ादी कराने में आदिवासी महापुरुषों का भी योगदान रहा है। वो चाहे बिरसा मुंडा जी हों, वो चाहे तिलका मांझी जी हो, वो चाहे सिद्धू कान्हू जी हो, नीलांबर पीतांबर हो, हो जतरा टाना भगत हो, वीर बुद्ध भगत हो, कई ऐसे आदिवासी महापुरुष जो इस देश को आजादी कराने में भूमिका निभाई थी, उनके भी गौरव गान हेतु नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने जनजाति गौरव दिवस बनाया था। देखिए, कहने का मतलब अर्थ यह है कि आदिवासी समाज के लिए जितना बीजेपी और एनडीए सरकार और नरेंद्र मोदी जी और अटल जी ने किया है, उतना मुझे नहीं लगता कि आजादी के काल के बाद से किसी दल ने या किसी राजनेता ने इतना सोचा होगा। हाँ, जैसा कि आप बोले कि यहां ट्राइबल 5 सीट है, हम लोग हार गए, चलिए लोकतंत्र में हार जीत होता है, हम लोग 5 ट्राइबल सीट हम लोग हारे हैं, ये चलिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम लोग हारे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज सिर्फ 5 ट्राइबल सीट में है। झारखंड में कितने प्रतिशत आदिवासी समाज है? 28% आदिवासी समाज है। यहाँ आबादी बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी समाज रहते हैं, तो क्या 9 सीट जिसमें बीजेपी जीती है
वो चाहे जमशेदपुर की बात करें या चाहे रांची की बात करें, चाहे चतरा की बात करें, पलामू की बात करें, गोड्डा संथाल परगना की बात करें, या कोडरमा की बात करें, या धनबाद की बात करें, या गिरिडीह की बात करें, तो क्या इसमें आदिवासी समाज नहीं रहते हैं? अगर 28% आदिवासी समाज, 32 जनजाति और 2 भोक्ता और पुराण को शामिल किया गया, 34 आदिवासी समाज झारखंड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में उसका प्रभाव है। तो 5 सीट ट्राइबल सीट हारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 9 सीटों में आदिवासी समाज का वोट नहीं मिला है। अच्छा अशोक जी, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये माना जा रहा है ओर से कि बाबूलाल मरांडी जी जो वर्तमान समय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कद कहीं ना कहीं जेएमएम के जो सुप्रीमो है शिबू सोरेन जी या कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान समय में वो जेल में हेमंत सोरेन जी, इनके सामने इनका कद घट रहा है, इसीलिए यह बीजेपी को सामना करना पड़ा हार का, इसे कैसे देखता है? देखिए कोई कद नहीं, तो थोड़ा मैं जानकारी के लिए बता दूं कि शिबू सोरेन जी गुरु जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे कद्दावर और सबसे वरिष्ठ नेता है, वो मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ में एक साधारण सा व्यक्ति राजा पीटर से वो चुनाव हार गए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिबू सोरेन के स्वीकार्यता समाप्त होगी राज्य में, आज भी वो सामान्य है, एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष है, गुरुजी के नाम से उनको लोग जानते भी हैं और उनका भी कई ऐसे आंदोलन में उनका सहभागिता इस राज्य को उनको उन्होंने दिया है। हेमंत सोरेन जी 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हारे दुमका से, उनको पता था कि हम दुमका से चुनाव हारेंगे, इसलिए उन्होंने बरहेट से भी चुनाव लड़ने का काम किया था। देखिए 1998 में भी बाबूलाल मरांडी जी ने, वही बाबूलाल मरांडी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने शिबू सोरेन जी को हराने का काम किया था और उस समय पार्टी लगेगी उसमें और कई ऐसे ट्राइबल लीडर्स जो वरिष्ठ है उनके साथ समन्वय बनाते हुए कहां हमसे चूक हुई, कहां पार्टी की रणनीति फेल की, सभी प्यात मंथन करते हुए हम लोग अब चुनाव में लगेंगे। आज तो झारखंड से 2-2 मंत्री मिले हैं, यह झारखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और संजय सेठ जी को मोदी कैबिनेट में स्थान मिली है। इसका प्रभाव लोग सिर्फ आदिवासी के नाम पे घड़ियालू आंसू बहाते हैं, जब आदिवासियों को अधिकार देने की बात आती है, जल जंगल जमीन का संरक्षण संवर्धन की बात आती है, तो यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लोग जल जंगल जमीन को लूट कर अपने निजी राजस्व बनाने का काम करते हैं। पंकज मिश्रा जी कौन है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है और नींबू पहाड़ पूरे संथाल परगना को पहाड़ को ध्वस्त करके उनको नोच के खा के 1200 करोड़ का घोटाला के आरोपित है। यही आलमगीर आलम इनके पार्टी के, इनके सरकार के सहयोगी मंत्री है, वाइस कैप्टन है, उन्होंने 35-37 करोड़ इस राज्य के संपत्ति को नोचा है। हेमंत सोरेन जी खुद आदिवासी जमीन के भ्रष्टाचार के आरोपी, आज वो जेल के अंदर है। देखिए ये लोग आदिवासी के नाम पे सिर्फ घड़ियालू बहाते आंसू बहाते हैं। कल्पना सोरेन जी आए, बसंत सोरेन जी आए, शिबू सोरेन जी आए, हेमंत सोरेन जी आए, चंपई सोरेन जी आए ना, अभी फाइनल होना बाकी है, विधानसभा चुनाव में आए मैदान में। हमारे पास आदिवासी नेताओं की फौज है और आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी को हराकर ये स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी, ये मैं आप डंके की चोट में मैं आपको कह सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा कितने बेबाकी से अशोक जी ने अपनी राय रखी है और आगामी विधानसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी मुकेश के साथ